नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर, मोदी जी योगी जी डीजीपी से पत्रकार नफीस खान ने लगाई न्याय की गुहार। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, देश के चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय बार काउंसिल, प्रयागराज के चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय को लिखित प्रार्थना पत्र देने पर भी नहीं की अपराधी फर्जी अधिवक्ता अलीशा अंसारी पर कोई कार्यवाही। विगत 3 वर्षों से अलीशा अंसारी अपना नाम छुपाकर सौतेली बहन फिरदौस परवीन स्वयं बनकर शासन प्रशासन बार काउंसिल को कर रही है गुमराह। जी मामला है कोतवाली गंगा घाट जिला उन्नाव की। अपराधी अलीशा अंसारी का देश तथा उत्तर प्रदेश पुलिस को बना रखा है अपने हाथ की कठपुतली। जैसे चाहो घुमाओ, जैसे चाहो नचाओ, शासन प्रशासन को अपने आगे कुछ नहीं समझती, सबको रखती है अपने ताक पर। इस महिला के संबंध में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ कानून व्यवस्था को लिखित में कई बार मैं सबूत के प्रार्थना पत्र दिया, परंतु बड़े बड़े राजनीतिक दल तथा शासन के अधिकारी एवं बड़े बड़े अधिवक्ता के साथ घाट के चलते अलीशा अंसारी पर आज तक कोई जांच तथा कार्यवाही नहीं हुई। सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार नफीस खान तथा परिवार पर जिला उन्नाव से लगातार झूठा मुकदमा दर्ज करा के अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। पत्रकार नफीस खान, जो पीड़ित गरीबों की हमेशा चैनल के माध्यम से मदद करके न्याय दिलाने का कार्य करता आ रहा है, आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी से न्याय की गौहर लगा रहा है तथा अधिकारियों की दर दर की ठोकरें खा रहा है। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट।